अम्बाला में जमीन विवाद में हैवानियत पूर्व फौजी ने काटा मां और भाई भाभी का गला, दो मासूमों को भी नहीं बख्शा। अम्बाला में नारायणगढ़ के पीर माजरी रतौर गांव में रविवार देर रात 2 एकड़ जमीन के लिए खूनी खेल खेला गया। रिटायर्ड फौजी ने अपने भाई भाभी, उनके 2 बच्चों और अपनी मां का गला काट दिया। इसके बाद आरोपी ने शवों को जलाने का भी प्रयास किया। मानसून की पिछली कमी की होगी पूरी, आज से 5 दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार। हरियाणा में सोमवार से अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विशेषज्ञ की माने तो इस दौरान मानसून की पिछली कमी भी पूरी होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा समेत 4 विधायक ईडी के निशाने पर। हरियाणा में एक के बाद एक लगातार प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के 4 विधायक निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय की लगातार बढ़ रही घेराबंदी को जहां भाजपा अपने लिए फायदा का सौदा मान रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन स्थानों पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है वहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। गुरुग्राम चौरा हत्याकांड, आज अदालत में होगी सुनवाई। पूर्व फौजी ने पुत्रवधू समेत 4 लोगों की बेरहमी से की थी हत्या। करीब 3 साल पहले राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या के मामले में सोमवार यानी कि आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। पूर्व फौजी ने अपनी पुत्रवधू समेत 3 किरायेदारों की बेरहमी से हत्या की थी। काशी में बाबा विश्वनाथ के आंगन में लगी भक्तों की कतार, सावन के पहले सोमवार। काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ को प्रिय सावन और सोमवार से ही इसके आरंभ का उत्साह पूर्व संध्या पर ही छलक पड़ा। बाबा की नगरी काशी कांवरियों समेत भक्तों से पटके। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर हर ओर कांवरियों का रेला बोलबम का उद्घोष करते हुए विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ चला। गंगा में डुबकी लगाई, पात्र में जल लिया और कतारबद्ध हो गए। वार पर शिव रूप में हुआ श्रृंगार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस में शुरू हुआ मंथन का दौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन किया। इस संदर्भ में उपचुनाव वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के जिला व शहर अध्यक्षों तथा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अब लोगों को कांग्रेस से ही उम्मीदें हैं, इसलिए हमें INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के हर संभव प्रयास करने होंगे। दिल्ली में आज हल्की, कल और परसों अच्छी बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उमस भरी गर्मी के बीच आज हल्की, जबकि कल मंगलवार और परसों बुधवार को दिल्ली में अच्छी बरसात हो सकती है। अलबत्ता तीनों ही दिन बादल छाए रहेंगे, गर्जन वाले बादल बनने और हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने के भी आसार हैं। दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़ 3 गुना बड़ा बजट। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के राज्य सरकार से वित्त पोषित 12 कॉलेजों के लिए दूसरी तिमाही में लगभग 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने 12 कॉलेजों की दूसरी तिमाही की किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को क्यों बनाया गया कप्तान, श्रीलंका जाने से पहले आखिरकार हो गया खुलासा। T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने T20 से विदाई ले ली। इसके बाद ये चर्चा तेजी से होने लगी कि अब कौन T20 क्रिकेट में भारत की कप्तानी करेगा। विराट कोहली ने आज ही के दिन कप्तान के रूप में जड़ा था पहला दौरा, शतक। तितर बितर हुई थी विश्व क्रिकेट की रिकॉर्ड्स बुक। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनके फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही खास है।